अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इन्फोस्ताद यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन सब इंस्पेक्टर पास्ट पेपर 2017 आज पार्ट टू है। इससे पहले एक पार्ट ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है जिसमें 35 एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिया है। अगर आपने वो वॉच नहीं किया तो आप चैनल विजिट करके वॉच कर सकते हैं, या लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट का ये पेपर है जो कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से 2017 में कंडक्ट हो चुका है। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल वाले आइकन पर भी क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट लाजमी कीजिएगा। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलें शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, सैयद अहमद शहीद एंड इस्माइल शहीद वर मर्टायर्ड एट, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है, एग्रेसिव। 37, 2 + 2 - 2 × 2 = 0। दोस्तों इसको हम डिमास रूल यानी डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। ये मैथ का रूल है जिसके मुताबिक सबसे पहले डिवीजन सॉल्व होती है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। लेकिन अगर ब्रेसेस हों तो सबसे पहले इनर ब्रेसेस को सॉल्व किया जाता है, देन आउटर ब्रेसेस वाली स्टेटमेंट को सॉल्व किया जाता है। अगर तीन ब्रेसेस हैं तो सबसे पहले छोटी ब्रेसेस, फिर कर्ली यानी दरमियानी ब्रैकेट्स और उसके बाद बड़ी ब्रैकेट्स वाली स्टेटमेंट को सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर ब्रैकेट्स नहीं है तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन की जानिब चलते हैं। 2 × 2 = 4 और 2 + 2 = 4, 4 - 4 = 0 हो जाएगा यहाँ पर, और देन हमारा बचेगा 2। सो ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। 38, इन विच ईयर इस्लामिया कॉलेज फॉर वुमेन कोपर रोड लाहौर वाज एस्टेब्लिश्ड। सो इसका आंसर है 1939, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। 1939 में ये इस्लामिया कॉलेज की बुनियाद रखी गई, इसका इफ्तिताह हुआ। 39, फ्लीट स्ट्रीट लंदन इज फेमस फॉर, तो ये किस वजह से फेमस है दोस्तों? ये है ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है, ऑफिस ऑफ द न्यूज़पेपर एंड प्रेस एजेंसीज। ठीक है, इस स्ट्रीट में, इस एरिया में न्यूज़पेपर और प्रेस एजेंसीज के दफातर हैं। 40, इन एमएस वर्ड द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द अनवांटेड पार्ट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड क्रॉपिंग, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त, सॉरी ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है, क्रॉपिंग। 41, चूज द सिनोनिम ऑफ डिविलिश, दोस्तों डिवल कहते हैं शैतान को और डिविलिश कहते हैं शैतानी, तो इसका मुतरादिफ यानी हम मानी अल्फाज यहाँ पर होगा सैटैनिक, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है, सैटैनिक इसका मतलब भी शैतानी होता है। 42, चूज द सिनोनिम ऑफ रेडियंट, दोस्तों रेडियंट कहते हैं मुनव्वर को, और इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए है, ग्लोइंग। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 43, विच आर्टिकल ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, दोस्तों ये आर्टिकल 251 है, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है, ऑप्शन बी आर्टिकल 251। 44, ट्रेचोमा इज द डिजीज ऑफ द आइज, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है, ये आंखों की बीमारी है ट्रेचोमा। 45, व्हाट इज द मीन्ड बाय मिकात, दोस्तों मिकात इज द पॉइंट वेयर एहराम मस्ट बी पुट ऑन बाय पिलग्रिम, ठीक हो गया, ऑप्शन सी, वो मुकाम जहां पर एहराम बांधा जाता है, एहराम पहना जाता है, दैट इज कॉल्ड मिकात। ओके, 46, फिल इन द ब्लैंक्स, ही डिड नॉट पे हीड डैश हिज ब्रदर्स एडवाइस, हीड टू हिज ब्रदर एडवाइस। ओके, ऑप्शन सी इसका, ये टू प्रेपोजिशन इसमें आएगी, और हीड का मतलब होता है ध्यान देना, ठीक हो गया, हीड टू यानी ध्यान देना, उसने अपने भाई की एडवाइस नसीहत पे ध्यान नहीं दिया। 47, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पार्लियामेंट इज कॉल्ड स्टॉर्टिंग, ठीक हो गया, तो ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है, नॉर्वे, नॉर्वे की पार्लियामेंट को स्टॉर्टिंग भी कहा जाता है।
48 क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। एमएस एक्सेल इसको स्प्रेडशीट भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें वर्कबुक होती हैं और वर्कबुक के अंदर फिर वर्कशीट होती हैं, इसलिए इस एक्सेल को स्प्रेडशीट कहा जाता है। और इसमें रोज एंड कॉलम्स की तरह ग्रिड्स होती हैं, ठीक हो गया, जो कि कैलकुलेशन और फाइनेंस वगैरह के लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है, ठीक हो गया। 49 सिनोनियम ऑफ इन्फिनिटिसिमियल इज, सिनोनियम ऑफ इन्फिनिटिसिमियल इज, सो दोस्तों इन्फिनिटिसिमियल कहते हैं ला तदाद को, इनफाइनाइट, ठीक हो गया, इससे निकला है तो ला तदाद। और ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है इनर्मियस। इनर्मियस का मतलब भी बहुत ज़्यादा यानी ला तदाद होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड इन न्यूयॉर्क। सो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, ह्यूमन राइट्स वॉच, ठीक हो गया। 50 का ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है, ह्यूमन राइट्स वॉच ये न्यूयॉर्क के अंदर है, अमेरिका के अंदर। 51 टू बी और नॉट टू बी दैट इज क्वेश्चन और लाइन्स फ्रॉम विच ऑफ शेक्सपियर फेमस प्लेज। सो ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है हेमलेट। हेमलेट का जो प्ले था उसमें से ये लाइन उठाई गई है टू बी और नॉट टू बी। 52 व्हाट इज मेंट बाय बर्ज़क। दोस्तों बर्ज़क इज द पीरियड बिटवीन डेथ एंड द डे ऑफ जजमेंट, फौतगी मौत के बाद और जजमेंट के दौरान जो दौरानिया जो वक्त होता है उसको बर्ज़क कहा जाता है। 53 सिविओ बेरेस्कोनी इज, सो दोस्तों ये सिविओ बेरेस्कोनी एक्स प्राइम मिनिस्टर थे इटली के, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब है। 54 देयर इज अ लिमिट डैश एवरीथिंग इन लाइफ, देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग इन लाइफ, ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है, ये प्रेपोजिशन करेक्ट है। इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वॉज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर एंड द एवरेज स्पीड वॉज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर and the time of flight increased by 30 minutes, what is the total duration of flight? So दोस्तों इसका जो correct answer है वो option D है, 4 hours 4 घंटे। Question number 56 philately is, option B इसका दुरुस्त जवाब है postage stamp collection activities। Question number 57 what is contraband? दोस्तों contraband कहते हैं ममनुआ, so articles banned by the government, ठीक है, ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट की जानिब से ममनू हो बैंड हो तो उसको कंट्राबैंड कहा जाता है, ओके। 58 शेडो कैबिनेट इज, सो 58 का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, अ स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ क्रिटिक फॉर्म बाय द अपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 59 इब्ने बतूता अ फेमस ट्रेवलर बिलोंग टू, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है मोरक्को। दोस्तों ये मोरक्को से इसका ताल्लुक था। 60 है जी व्हाट इज मीन्ट बाय साइन डाई, ठीक है, साइन डाई का मतलब है दोस्तों विदाउट फिक्सिंग अ डेट, ठीक हो गया, विदाउट फिक्सिंग अ डेट तो इसको साइन डाई कहते हैं। 61 है जी द सोन एंड द हारो और द टू रिवर्स ऑफ, ठीक हो, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है पोटोहार प्लाटियो, ठीक हो, पोटोहार प्लाटियो। 62 व्हेन डिड बलूचिस्तान एक्वायर द स्टेटस ऑफ प्रोविंस, ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है 1970 में बलूचिस्तान को सूबे का दर्जा दे दिया गया था, ओके। जो कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग, तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है एग वाइट, इसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, ओके। 64 नेम ऑफ द ऑथर ऑफ अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द सरासीन हु हैड आल्सो रिमेंड एक्टिव इन द पाकिस्तान मूवमेंट, सो दोस्तों इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी सैयद अमीर अली, ठीक हो गए, तो सैयद अमीर अली ऑथर थे अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द सरासीन के। 65 हु को फाउंडेड हॉटमेल इन 1996 में हॉटमेल बनाई थी, उसके बानी कौन थे, को फाउंडेड एंड देन सोल्ड इट, जिसने माइक्रोसॉफ्ट को बेच दी थी हॉटमेल, ठीक हो गया। 65 दोस्तों इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी सबीर बाटिया,
सबीर भाटिया, इसने हॉटमेल बनाई थी जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद ली थी। ओके 66 है एस्टमस इज। दोस्तों इसका दुरुस्त जवाब है नैरो पीस ऑफ द लैंड कनेक्टिंग लार्जर लैंड एरियाज, ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है। 67 अलामा अब्दुल्ला यूसुफ अली द फेमस कमेंटेटर ऑफ द होली कुरान हैड सर्व फॉर अ वाइल एज, तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी प्रिंसिपल ऑफ द इस्लामिया कॉलेज लाहौर। इस्लामिया कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मजमुए को कहा जाता है, यानी हार्डवेयर भी होते हैं और सॉफ्टवेयर भी होते हैं कंप्यूटर में, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। 69 है जी बाई कैमरल सिस्टम ऑफ लेजिस्लेचर वॉज इंट्रोड्यूस इन पाकिस्तान अंडर द डैश कॉन्स्टिट्यूशन 1973। सो दोस्तों बाई कैमरल कहते हैं दो इमानी जो सिस्टम है, ठीक है, तो ये 1973 के आइन में आया था, ठीक है, बनाया था। 69 हो गया जी। 70 और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, अबाउट होम कायद अजम हैड स्टेटेड दैट ही वॉज हिज चीफ लेफ्टिनेंट एंड राइट हैंड। सो लियाकत अली खान के बारे में कायद अजम ने कहा था कि ये चीफ लेफ्टिनेंट और दायां बाजू हैं, ठीक है, इसके कायद अजम के। ओके सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और 70 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह आखिरी वीडियो में और इस पेपर को कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।